ये रक्षाबंधन का सामान है मैं लेके आई हूँ सारा। ये है कलाकंद, ये मैं कल ही खोल के दिखाऊंगी। ये एक मैंने पैकिंग बनवाई है, मंगवाई है बनवा के, मतलब लेके आई हूँ मैं बना के। ओह ये देखिए, ये 600 की बनी है पूरी पैकिंग। एक राखी है, ये ड्राई फ्रूट्स है, बीच में उल्टा हो गया था ना डब्बा इसलिए खोल। ये चॉकलेट्स हैं, चोको पाई है, और ये रखी है, और ये सिंदूर और वो है चावल वगैरह जो होते हैं वो है, ये वाला वाइट वाला। और ये इतनी प्यारी है हैप्पी राखी, अच्छी है ना। और ये सामान मम्मी का है, मम्मी ने लिया है। बाकी ये राखियाँ है ना, ये नीलम ने भेजी थी, तो ये भी मैं ही बांध दूँगी, मम्मी कहती तू ही बांध देना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है कलाकंद, ठीक है। तो ये सारा सामान है। तो गाइस अभी मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो रही थी, मुझे बहुत सारी आज रील्स और शॉर्ट्स वीडियो मैंने शूट करनी है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं अच्छा से मेकअप कर लेती हूँ। और गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत टाइम से फाउंडेशन ढूंढ रही थी, लेकिन आज मैं जो फाउंडेशन इस वीडियो में यूज़ करूँगी, तो वो बहुत सारे फाउंडेशन यूज़ करने के बाद, ट्राई करने के बाद जो मुझे सबसे बेस्ट फाउंडेशन लगा आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं देखिए ममा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सनस्क्रीन है जो वो लगा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, स्किन को हाइड्रेट करता है, यूवी एंड यूवीबी रे से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड में यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ का ग्लो पोर ब्लरिंग प्राइमर है ये, इसमें है विटामिन सी, और ये गाइस हमारे स्किन के जितने भी ओपन पोर्स हैं उनको क्लोज करता है, उनको मिनिमाइज करता है, जितने भी ओपन पोर्स हैं और उनमें ये फिल हो जाता है, और इसके बाद जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो केक ही नहीं होता, हमारा मेकअप एकदम सेट रहता है। तो स्किन को प्रेप करने के लिए सबसे पहले जो है आपको प्राइमर लगाना है, बहुत ही बेस्ट प्राइमर है गाइस ये। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ममा अर्थ का हाइड्रा ग्लो फाउंडेशन है ये, फुल कवरेज फाउंडेशन है गाइस ये। इसमें है विटामिन सी जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है, और इसमें है टर्मेरिक जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये फाउंडेशन फुल कवरेज देता है गाइज, अब आपके स्किन पे जितनी भी पिगमेंटेशन है उसको ये कवर अप कर देगा, आपके डार्क सर्कल को कवर अप करेगा, आपकी स्किन को इवन टोन देगा, इवन स्किन टोन प्रोवाइड करेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं डिफरेंस, जैसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी स्किन में कितना अच्छा एक ग्लो भी आ जाएगा, और जितनी भी पिगमेंटेशन है वो सारी कवर हो चुकी है। और ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है, लाइट वेट फार्मूला से बनाया गया है, और चिपचिपा भी फील नहीं होता बिल्कुल भी। अगर आप इसको यूज़ करोगे आप देखोगे कितना लाइट वेट फाउंडेशन है ये। इसमें 6 शेड आते हैं, जितने भी शेड आएंगे आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। इस फाउंडेशन में है SPF 35 जो कि धूप की किरणों से बचाता है, UVA एंड UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है, और फेस को टैनिंग होने से बचाता है। तो इसमें गाइस फर्स्ट शेड आता है आइवरी ग्लो, सेकंड है क्रीम ग्लो, थर्ड है न्यूड ग्लो, फोर्थ है सन ग्लो, फिफ्थ है बीच ग्लो, एंड सिक्स्थ है इसमें कैरेमल ग्लो। तो ये 6 शेड इसमें फाउंडेशन में आपको मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बाहर से आपको शेड्स इसके दिख रहे होंगे कि किस तरीके के शेड्स हैं इसमें, लाइट से लेके डार्क तक शेड है। अगर आपकी स्किन टोन लाइट है तो आप फर्स्ट ये 2 शेड है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो तो आप थर्ड और फोर्थ शेड है जो ये यूज़ कर सकते हो, एंड अगर आप डार्केस्ट स्किन टोन के हो तो आप 5th और 6th नंबर यूज़ कर सकते हो। तो इसके स्वैचेस भी अभी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, 1 by 1 सारे स्वेचेस मैंने हैंड पे अप्लाई किए हैं। तो देखिए ये सारे स्वेचेस है, सबसे लाइटर शेड है वो 1 नंबर है, फिर सेकंड है 3, 4, 5, और लास्ट में डार्केस्ट जो शेड है वो है 6 नंबर। सो ये इसके इसमें आपको 6 शेड मिल जाते हैं। ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल एंड ममा अर्थ की ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट पर भी अवेलेबल मिल जाएंगे, आपके नज़दीकी स्टोर्स में भी अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर गाइज आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो मेरा कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलें जो कि है KANC2024, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा ऑफ। एंड ममा अर्थ से जब भी आप कोई ऑर्डर परचेज़ करते हैं वो आपके ऑर्डर को प्लांट के साथ लिंक कर देते हैं, क्योंकि ममा अर्थ एम करता है 2025 तक 1 मिलियन प्लांट लगाने का। एंड गाइज ममा अर्थ पे जब भी आप कुछ परचेज़ करो तो आप वहाँ पे यूज़ करके प्रोडक्ट को अपना फीडबैक ज़रूर दें, ममा अर्थ आपके फीडबैक से ही
प्रोडक्ट को अपग्रेड करते हैं और चेंजेस लाते हैं। तो गाइज़ वेट किस बात की, इसको फाउंडेशन को और प्राइमर को आप ज़रूर परचेज़ करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं यूज़ करी ममार्थ का ग्लो फुल कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें भी है विटामिन सी। गाइज़ ये मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो, इसमें भी आपको अलग अलग शेड्स मिल जाते हैं। और अब मैं सिर्फ अपने फेस के थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करूँगी, पाउडर कॉन्टोर से कोई भी पाउडर कॉन्टोर आप ले सकते हो। ब्लशर लगाऊंगी, देन मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। तो अब मैं लास्ट में लगाऊंगी ममार्थ की ये लिप शेड है 01 रूबी क्रश, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, ये शेड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ। और मैं अभी अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं मैं यूज़ करूँगी, समर के अकॉर्डिंग ही मीडियम सा, जो मॉनसून का सीज़न है तो मीडियम सा ही मेकअप मैं कर रही हूँ। अभी मैं काजल पेंसिल लेके लाइनर लगा लूँगी, काजल की तरह नहीं अप्लाई करूँगी इसको, एज अ लाइनर मैं अप्लाई करूँगी। तो देखिए मेरा लाइनर भी लग चुका है, ऑलमोस्ट मेरा मेकअप हो गया डन। लास्ट में मैं लगाऊँगी बिंदी, बिंदी के बिना तो मेकअप अधूरा लगता है। तो लो जी मेरा मेकअप हो गया है डन, अब मैं मिलती हूँ अपनी फाइनल लुक के साथ। तो गाइज़ अब राजस्थान की नई नवेली दुल्हन बन के मैं हो गई हूँ तैयार, और देखिए लग रही हूँ ना अपने फौजी साहब की फौजन लग रही हूँ, तो ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और देखिए अपना ज्वेलरी पहन के, सूट पहन के और अपना चूड़ा पहन के मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ, और मुझे तो मैं अच्छी लग रही हूँ, आपको कैसी लग रही हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये फाउंडेशन देखिए मेरे फेस पे कितना अच्छे से सेट बैठ गया है, बिल्कुल भी अनइवन स्किन टोन नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्किन में मेरी ग्लो आ गया है, फेस पे मेकअप में ग्लो है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा से नहीं लगाया, तो देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आया अपने फेस पे, देख सकते हो आप। और कैसी लग रही हूँ मैं गाइस बताना कमेंट करके। और आप भी इसी तरीके से, अगर आप भी नई नवेली दुल्हन हो या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, तो यही फाउंडेशन यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। तो गाइस मैं यहाँ पे आई थी चप्पल लेने के लिए, देखिए तैयार होने के बाद राखी बांधनी थी ना, तो उसके बाद फिर मैं मम्मी के साथ आई थी चप्पल लेने के लिए। आपको पता है कि मुझे ससुराल जाना है, तो फिर मुझे शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं कर रही हूँ शॉपिंग अपनी। तो मुझे 2-3 जोड़ी है जो चप्पलें चाहिए थी, मेरे को यहाँ से पसंद आ रही थी, 2 जोड़ी तो मैंने ले ली है, पसंद तो बहुत सारी आ रही थी, बट मेरे को जो सबसे बेस्ट लगी है ना मैंने वो ली है, क्वालिटी वगैरह सब कुछ चेक करके। और ये देखो मेरा पैर बहुत छोटा है ना, इसलिए मेरे साइज के मुझे बहुत सुंदर सैंडल मिल गए। मेरा पैर 6 नंबर आता है, 6 छोटा जो 6 होता है 36 नंबर आता है मेरे, तो 36 नंबर देखिए कितना परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छे से मेरे आ गया है साइज़। और बहुत सुंदर सैंडल है, आप देख सकते हो क्लोज से, है ना। और यहाँ पे मतलब सेल लगी हुई थी, 300-300 रुपये में सेल थी सारी सैंडल्स की, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर सैंडल थे, सिर्फ 300 रुपीज़ के थे। तो फिर मैंने 2 जोड़ी लिए हैं, है ना, एक तो मैंने, मेरे को ये भी पसंद आ रहे थे लेकिन पहनने की दिक्कत थी, इनको पहनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिर ना कई बार अंदर जाना हो अब वहाँ पे तो मुझे चलना फिरना पड़ेगा, है ना, घर पे रहना है तो मैंने ऐसे चप्पल ले ली है जो अभी पहनी थी मैंने, और बाहर अंदर जाना है तो फिर मैंने सैंडल ले लिए, है ना। और ये देखिए कितने प्यारे सैंडल है, और ये नए पीसीज हैं, ऐसे नहीं है कि पुराने सेल लगाई है, नए आपके सामने बॉक्स में से निकाल के दे रहे हैं वो भैया, तो देखो बिल्कुल नए पीस है, बहुत सुंदर सैंडल है। तो कैसे लगे आपको, तो 300 रुपीज़ में तो आजकल आता ही क्या है ना, तो 300 रुपीज़ में मुझे मिले हैं। और बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा मुझे हैवी लग रहा था जूड़ा, फिर मैंने खोल के ना उसको, मतलब जूड़ा क्लस्टर वाला लगाया था मैंने, वो मैंने हटा दिया, फिर मुझे पसंद तो मुझे बहुत सारे आ रहे थे, दिल कर रहा था ये भी ले लूँ, पर फिर मैंने कहा नहीं यार 2 ही बहुत है, ऐसे लालच करूँगी तो फिर तो मैं सारी शॉप ही उठा के ले जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट अब शॉप पर जाते हैं तो पसंद आ ही जाते हैं। पहले यहाँ पे पंजाबी जुत्ती देख रही थी लेकिन सारी जुत्ती पेस्टिंग वाली थी, तो मैंने उनको बोला मुझे पेस्टिंग वाली नहीं लेनी। गाइस चलिए हम इस वीडियो को अब एंड करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने हील्स, अपने फुटवेयर भी दिखाऊंगी और आपको रक्षाबंधन का भी सारा व्लॉग दूंगी। इस व्लॉग को मैं एंड कर देती क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फाउंडेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से परचेज़ ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल एंड बाय बाय।